Okay, students. So today we'll do exercise 6.1. Okay, this is the question. In figure, means in this figure, A, B, and C, D intersect each other. A, B, C, D. They intersect each other. Okay, and this part is given. So directly we'll focus on the solution. See, this is the diagram, everybody. This is the diagram. A, B, C, D intersect at point O. Okay, what is given? See, angle A, O, C means angle A, O, C. Angle A, O, C and B, O, E means these two angles. Means this angle and this angle. Okay, when we प्लस देम इट इज 70 डिग्री. इन दोनों एंगल को प्लस करने से 70 डिग्री मिलता है. इट इज गिवन. एंड बी ओ डी दिस एंगल 40 डिग्री इज गिवन. सो वॉट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई. ओके, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. सी ओ ई दिस इज सी ओ ई एंगल. ओके, रिफ्लेक्स इज वाट? इसके पीछे ये एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है. ओके, ये सी ओ ई है एंगल एंड रिफ्लेक्स इज वाट? दिस फुल एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. ओके, सो कम टू द पॉइंट. फर्स्ट लिखेंगे, देखो ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं? मैंने जो समझाया था लास्ट क्लास में, 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा. तो लेट अस राइट दैट एंगल बी ओ डी. बी ओ डी 40 डिग्री, विच इज इक्वल टू ए ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री, तो लिखो 40 डिग्री. अभी व्हाट इज गिवन? एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है. देखो तो ए ओ सी क्या है? 40 डिग्री अभी निकाला हम लोगों ने, तो वो लिखो. बी ओ ई वी डोंट नो, यू राइट बी ओ ई. 70 वी नो. अभी 40 इस तरफ आ जाएगा तो क्या मिलेगा? 30 डिग्री. तो बी ओ ई इज 40 डिग्री. मतलब ये एंगल बी ओ ई, ये एंगल क्या है? 40 डिग्री मिल गया है हम लोग को. ओके, तो ये निकालना था, ये एक हम लोगों ने निकाल लिया. अभी रिफ्लेक्स निकालेंगे. अभी देखो, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीन एंगल इस लाइन के ऊपर है. मतलब तीनों को ऐड करके 180 डिग्री, इजंट इट? दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल इज 180 डिग्री. तो ये हम लोग को पता, ये हम लोग को पता है वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये 40. और ये अभी अभी हम लोग को मिला, क्या मिला? 30 डिग्री मिला. ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? ओके, तो वो वैसे निकालेंगे. एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई प्लस बी ओ ई, बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो लिखो लीनियर पैर, रीजन इज लीनियर पैर. तो ए ओ सी इज 40 डिग्री, वी हैव फाउंड आउट दिस वन. सी ओ ई वी डोंट नो. बी ओ ई इज 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों ऐड करने से 70 डिग्री. ये जैसा है वैसा लिखेंगे. 70 विल कम दिस साइड, इट विल बिकम -70. तो सी ओ ई इज 110 डिग्री. मतलब ये देखो, ये एंगल सी ओ ई 110 डिग्री है. तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री. ओके, रिफ्लेक्स हमेशा ऐसे निकालते हैं. हमने मैंने सिखाया था तुम लोग को. आई हैव लर्नड यू वेर इज रिफ्लेक्स एंगल. आई हैव टॉट यू दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. देखो रिफ्लेक्स एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल. एक्स इज द रिफ्लेक्स. तो कैसे निकालेंगे? 360 माइनस 95 डिग्री. 95 डिग्री,
तो ऐसे रिफ्लेक्स निकाला जाता है. तो फाइंड आउट रिफ्लेक्स वी गॉट 360 माइनस 110 इज 250 डिग्री. एवरीबॉडी ओके. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट. देखो, दिस इज द डायग्राम गिवन. एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड टू. एक्स वाई एम एन इंटरसेक्टेड ओ. ओके फाइन. इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री. ये पी ओ वाई, ये 90 डिग्री है. ठीक है. एंड ए बी, ए इज टू बी इज 2:3. ये दोनों एंगल, मतलब 2:3 है. 2:3 नहीं है, इट इज 2:3. रेशियो इज गिवन. फाइंड सी, ये निकालना है हम लोग को. तो कम ऐसे लिखना है हमेशा सोल्यूशन. पहले गिवन लिखो, क्या फाइंड करना है टू फाइंड लिखो, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करो. ड्रॉ द डायग्राम. सो ए इज टू बी इज 2:3 विच इज गिवन. तो क्या पकड़ेंगे, लेट ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 3x. एवरीबडी ओके. तो अभी देखो, ये देखो बी ए और ये एंगल, ये तीनों क्या होगा, 180 डिग्री बिकॉज इट इज इन स्ट्रेट लाइन. इन तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री होगा. तो वही लिखना है, एंगल बी प्लस ए प्लस पी ओ वाई इज 180 डिग्री. बी इज व्हाट, 3x राइट, ए इज 2x राइट, पी ओ वाई इज 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. लिखो तो 3x प्लस 2x इज 5x. ये जैसा है वैसा रह जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा माइनस करने से. तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 5, इस तरफ आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18 डिग्री. तो अभी a तो 2x था, तो x 18 है, तो लिखो 2x इज इक्वल टू 2 × 18. 18, x का वैल्यू 18 है, तो 36 डिग्री. और b सेम वे, 3x, 3 × 18, x इज 13, x इज 18. तो मिल गया ए फाइनली कितना डिग्री है, 36 डिग्री. बी इज 54 डिग्री फाइनली. ओके, तो ए मतलब देखो, ये ए और बी हम लोग को मिल गया है, और ये तो 90 डिग्री ही है. मतलब दिस थ्री एंगल्स वी नो, लेकिन हम लोग को निकालने बोला है सी. ओके, तो सी कैसे निकालेंगे, अभी देखो. ऑन लाइन एम एन, देखो ऑन लाइन एम एन, देखो एम एन में ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन में बी, ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री है. यस और नॉट, दिस इज स्ट्रेट लाइन एम एन, तो ये पूरा डिग्री, पूरा इज 180 डिग्री. तो बी हम लोग को पता चला, अभी हम लोग निकाले थे. सो वी विल, वी कैन फाइंड आउट सी हियर फ्रॉम इजीली. ऑन लाइन एम एन, बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज 180 डिग्री. 180 डिग्री, सो बी वी नो 54 डिग्री, सी वी डोंट नो, सी विल रिमेन एज इट इज 180 डिग्री. सो सी 54 विल कम दिस साइड, माइनस करके 126. तो सी वी हैव गॉट 126 डिग्री. ओके, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, सो ये पूरा एंगल इज 180, बी प्लस सी इज 180. तो वही यहाँ पे अप्लाई किया है. ओके, दैट्स इट. ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन 3. देखो क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल बोला गया है. ओके, क्वेश्चन में इक्वल बोला गया है. देन प्रूव दैट पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस और पी आर डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल बोला गया है इक्वल है. प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पी क्यू एस एंगल पी आर डी आर इक्वल. तो कैसे प्रूफ करेंगे, हैव अ लुक. यू विल राइट इन दिस वे, गिवन जो है वो लिखो.
प्रूव करना है क्या वो लिखो. ड्रॉ द डायग्राम हियर. दिस इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग. सो सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. अभी देखो ये पूरा एंगल क्या है, 180 डिग्री. ये पूरा 180 डिग्री एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री. वही लिखेंगे एंगल पी क्यू एस. मतलब पी क्यू एस दिस एंगल प्लस दिस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. तो अभी पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस, इसको इक्वेशन वन पकड़ेंगे. ओके, प्रूव करने बोला है ना, तो इसीलिए ऐसे प्रोसेस में करेंगे. पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस. नाउ सेकेंड, दिस एंगल मीन्स पी आर क्यू एंड पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री. मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. पी आर टी, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर एंगल इन स्ट्रेट लाइन. तो पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी आर टी. ये तो इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू पकड़ लेंगे. तो अभी क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ये गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू एंड ये दोनों गिवन है ऑलरेडी. तो ये दोनों लिखो. अभी पी क्यू आर क्या, कौन सा पी क्यू आर हम लोग को क्या मिला है इक्वेशन वन में, 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस एंगल, वो लिखो. पी आर क्यू क्या मिला है, ये मिला है, तो ये लिखो. तो यहाँ पे ऑप्शन देंगे बाय वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ये मिला हम लोग को. ओके, पी क्यू आर इज़ 180 डिग्री माइनस ये पी आर क्यू इज ये ऐसे लिखा है. तो ये यहाँ पे रह जाएगा और 180 को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे. तो ये जैसा है वैसा रह जाएगा एंड दिस 180 विल कम दिस साइड, इट विल बिकम माइनस 180. तो 180 कैंसिल, माइनस माइनस, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री जीरो, इसलिए कैंसिल कर दिया है. तो क्या रह गया है, पी क्यू एस इज रिमेनिंग माइनस पी आर टी इज रिमेनिंग, दिस टू इज रिमेनिंग, रेस्ट कैंसल्ड. तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. तो लास्ट में क्या मिला, पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी. क्या मिला देखो, पी क्यू एस एंगल पी आर टी. देखो यही तो प्रूफ करना था हम लोग को. वी हैव गॉट इट, सो हैंस प्रूफ्ड. ओके, दिस इज द सम. दैट्स इट, दैट्स ऑल. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू विल आस्क मी.